This movie is encoded by Dr. Star. अब पता चला वो लड़का तुम्हें इतना अजीज क्यों था। मगर तुम दुखी मत हो हुक, सितारे आखिरकार हमारा साथ दे रहे हैं। सनी बस सरदार की बेटी का काम पूरा कर ले, वो तोते की तरह सब कुछ उगल देगी। वो अब कुछ नहीं बताएगी। क्यों? सनी ने मुझे निराश कभी नहीं किया। वनस्पति प्रेत नगरी यही है ना? आसपास ऊंची पहाड़ियां और इस घाटी का क्या जो काग इलाके के पास है? 50 फुट चौड़ी है। हम रस्सी का सहारा लेंगे। नहीं, आसानी से पकड़े जाएंगे। पर उनकी राजकुमारी हमारे पास है। तब भी बड़ा खतरा है। तो उठाने को तैयार हो जाओ। सुबह सुबह निकलेंगे और अपने 10 सबसे अच्छे आदमी तैयार करो। कप्तान मैं हूँ, तय मैं करूँगी, करना क्या है? तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि गोला मुझे मिल गया है। मैं लंदन लौटूंगा, लेकिन उससे पहले वो पदार्थ मेरी रग रग में दौड़ना चाहिए। फिर मैं पृथ्वी पर भगवान बनकर लंदन के उसी समाज पर राज करूंगा जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया था, और उसके बाद हर बदला पूरा होगा। फैसला तुम्हारा है बॉनी, मेरा साथ दो और नए जमाने की हर अय्याशी भोगो, या फिर यहीं रहो और हुक्म चलाती रहो इन जिंदा लाशों पर। तुम हम जैसे हो। मैं कहाँ हूँ? मेरे राज्य में। तुम हिंदी बोलती हो? नहीं, ये मेरे ख्याल हैं पीटर, मन की भाषा नहीं होती। जादुई पदार्थ हमारे मन की बात सुनने की ताकत देता है। आया के साथ क्या हुआ? उसे डाकू ले गए। आराम से पीटर,
हमारे बुजुर्गों ने तुम्हारे घाव सी दिए हैं, लेकिन वो भरे नहीं हैं। मुझे ठंड लग रही है। तुम्हारे कपड़े तैयार हैं, हमारे खेतों के रेशम ने मरम्मत कर दी है। चलो, तुम्हें हमारे तीन बुजुर्गों के सामने पेश होना होगा। तुम्हारी प्रजाति हमारे लिए खतरा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई गोला ढूंढ कर हमें दे दो, जिसके जरिए तुम सबको घर भेज देंगे। तुम्हारी नई शक्तियाँ इसमें बहुत काम आएंगी। शक्तियाँ? आंखें बंद करो पीटर। गहरी सांस लो, मन शांत करो। एक बड़े समंदर की कल्पना करो जिसके साथ तुम बह रहे हो, बहुत खुश। इतने खुश कि पानी भी महसूस नहीं होता, सिर्फ ऊपर ले जाती हुई ठंडी हवाएं। और ऊपर है तुम्हारी हवा के साथ चलो। अब आंखें खोलो। ये कैसे मुमकिन है? तुम मुमकिन कर रहे हो पीटर। पदार्थ की धूल में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हें उस पर काबू पाना होगा। कैसे? अपने दिल से। जो महसूस करोगे वो होगा, लेकिन अगर डरोगे तो गिरोगे। Help us. Get us the magic orb so we can stop this brutality. मैं ही क्यों? You still have an innocent heart, Peter. It's a quality we share and trust. उस घाटी का पार करना स्टूपिड है, सबका सब मर जाएगा। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है सनी। उधर जाना बोले तो खुदकुशी है। तो यहाँ रहकर अपने तलवे चाट। तुमको हो क्या गया है बॉनी? ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो वो आप उनका है। अब ये तुम्हारे नहीं है। तुमको जिंदा छोड़ के हम बहुत बड़ा गलती किया, तो अब कोशिश कर लो। ये बुजदिलों का हथियार है, मैं तलवार से मरना ज्यादा पसंद करूंगा। ये लो, जरा इससे मारकर दिखाओ। देखो अपने आदमियों को, कोई भी तुम्हें बचाने आगे आ रहा है? एक ही जहाज पर 200 साल, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं है कि तुम जियो या मरो। और अब तुम मेरे हवाले हो। कितना मजा आ रहा है। फिर रहो पीटर, हवा के साथ चलो। पीटर, हवा के साथ, इतना तेज नहीं। छोटी सांसें लो, तेज सांसें लो। सब
पीटर, क्या तुम ठीक हो? पीटर, पीटर। उल्लू बनाया। बचकानी हरकतें करना बंद करो पीटर। मुझे तो लगा तुम्हें मुझ में यही पसंद है। थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारे घाव ठीक होने में अब भी वक्त है। मुझे जाना होगा टिंकर आया, और मेरे दोस्त को बचाना होगा। तुम्हारे दोस्त? हाँ दोस्त, गोला मिलते ही पहले उन्हें घर भेजूंगा। तुम अभी तैयार नहीं हो पीटर। सूरज डूब रहा है, अंधेरे में घाटी पार नहीं कर पाएंगे। रात यहीं काटेंगे। अगर लौटने का रास्ता मिला तो सबको जरूर ले जाऊंगा। तो वापस कैसे जाएंगे? पकड़ लो इसे। पता नहीं क्या जगह है ये, सब इसके वजह से हो रहा है। आया भागो। हे भगवान, हे भगवान, बाबा भूत है। आपको हमसे क्या चाहिए पिशाची? उस वैज्ञानिक का गोला ले आओ और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किसी को नहीं पता। कैप्टन ने उसे किनारे पे कहीं छिपा दिया है। अब सच बता डाकू, नहीं तो तेरे हड्डियों की माला तुझे पहनाऊंगा। आप सुनिए तो, इतनी नाजुक चीज है वो जहाज पर नहीं लाएंगे, इसीलिए बुल आइलैंड पर उन्होंने कहीं उसे छुपा दिया है। उन्होंने? हाँ, कैप्टन बोनी और मास्टर हुक। आपको कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ है। वो रात के अंधेरे में कहीं उसे ले गए। कसम खाकर कहता हूँ पिशाच जी, उनके सिवा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, सरदार की बेटी को लेकर आओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हे भगवान, चलते रहो। यही है वो घाटी? हाँ, लेकिन भारतीयों का गांव और आगे है। यहाँ पहरा नहीं है, अगर पार कर गए तो उस तरफ से पहुँच सकते हैं। पहरा नहीं है क्योंकि यहाँ इंसानों को खाने वाली मकड़ियों का जाल है। अच्छा है तो और संभल कर जाएंगे, भूखी मकड़ियाँ भूखे सिपाहियों से बेहतर ही है। कैसे किया? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पदार्थ की धूल तुम्हारे शरीर पर? यही रुको, मैं अभी आऊंगा और फिर हम साथ में चढ़ाई करेंगे। वो पवित्र शक्ति,
क्या ये वाकई तुम हो? मौत के मुंह से वापस। और तुम जिंदा कैसे बचे? है कुछ खास दोस्त मेरे। ओह गॉड, ओह गुडनेस, पदार्थ की धूल, उसमें लटपट है ये। तुम्हें वनस्पति प्रेतों ने बचाया, लेकिन आप डाकू बनने से नहीं बचे। ब्लड का गोला जिमी कहाँ छुपा के रखा है? यहाँ नहीं बता सकता। मुझे तकलीफ देकर कुछ नहीं मिलेगा पीटर। बिल्कुल ठीक, आपको दुख पहुँचाने के लिए तो आपकी गर्लफ्रेंड ठीक है। तुम फोन नहीं कर सकते पीटर। पर शायद मैं बदल गया। बस मुझे इतना करना होगा कि रस्सी को काट दूं और फिर तुम नीचे। मैं जानता हूं वो सांड टापू पर है, पर कहां? मैंने पूछा कहां? रुको, अभी ऊपर मत खींचो, वो रस्सी काट देगा। रुको, तो क्या सोचा है जिमी? ठीक है, जल्दी ऊपर। इसे अपने साथ ले जाना होगा, ये पदार्थ की धूल का राज जानता है। ओए की होया इनु, चलो ले आओ इनु, अंदर ले आओ अंदर, चलो चलो जल्दी। मुझे पता था उस शक्ति को छीन लेना मुमकिन है। उड़ने की शक्ति नहीं है, है ना? शक्ति तुम्हारे अंदर पलती है ना, तुम्हें पोषित करती है। पता मुझे क्या महसूस होता है? उठ जा, बता तूने वो कैसे किया? क्या किया तूने? मुंह खोल अपना कमबख्त। वो और कमजोर हो गया है, घाव खुल गया है, मैंने भरने की कोशिश की लेकिन लेकिन मुझे वो चाहिए। सब खत्म हो गया हुक, अब तक मेरे 11 लोग मर चुके हैं, बदले में क्या मिला? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। पीटर हमारी मदद करेगा, वो शायद कल का सूरज भी ना देखे। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं तंग आ गई हुक। नहीं, ये जिंदा रहना चाहिए जब तक मैं कुछ तय ना कर लूं। जिमी उसे फिर से उस जहाज पर ले गया? हाँ शायद, माफ करना, वो फिर डाकुओं के पास है। उन्होंने उसे मकड़ी से बचाया, मतलब उसे जिंदा रखना चाहते हैं। तोहफा, मैं ये नहीं पहन रहा। मैं भी नहीं। क्यों नहीं? पुराने कपड़ों से तो ज्यादा टिकेंगे। पहले हमें पीटर को बचाना है, जैसे उसने हमें बचाया था। भूल गए फरहान के साथ क्या हुआ था? तुम चाहते हो कि पीटर के साथ भी वो हो? कुछ तो शर्म करो। वैसे भी दोनों एक ही जैसे हैं। पीटर तो हमेशा जिमी जैसे बनना चाहता था, अब तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है।
पीटर के बिना हम कभी खुश नहीं रहेंगे। नहीं, हम खुश रह सकते हैं। तो उसकी जगह कौन लेगा? तुम? ख्याल बुरा नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो वक्त बताएगा। कल सबको मैं शिकार पर लेके जाऊंगा और मगरमच्छ मरने पर जब पूरे भारतवासी मुझे अपना भाई बनाएंगे तब शायद मेरी औकात समझ में आएगी। तुम मगरमच्छ के शिकार पर जाओगे? घुंघरू, तुमने कहा था तुम कर लोगे। तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। जोहान तुम्हें कुछ देना चाहता है। जब पहली बार उसने मगरमच्छ को देखा वो बहुत डर गया था। कई दिनों बाद जब आखिरकार वो घर लौटा मैंने उनसे कहा डर अच्छा है, डर हमारा हिस्सा है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से जोहान ने साबित किया कि उसमें बहुत साहस भरा हुआ है। इसके लिए वो शुक्रगुजार है। वो चाहता है कि तुम उसके पिता की भेंट स्वीकार करो।
पीटर, तुम ठीक हो पीटर? जिमी लो पियो। मुझे माफ कर दो पीटर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो निपट जाओ मुझसे, तुम्हें घर लेकर जाना है। अब कैसा लग रहा है? हम यहां कैसे पहुंचे? मेरों का पानी सिर्फ सुनने में मीठा लगता है, उन निकम्मों को पीने की चुनौती दे दी है। सुबह सबका सिर भारी होगा और क्या। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, उसके बाद तो बस एक नाव चुरा ली और। नहीं मेरा मतलब आपको क्या हुआ? होश आ गया। आपकी वो गर्लफ्रेंड? इशारों पर नचाने के लिए उसे किसी और को ढूंढना होगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। बॉनी ने जो किया उसके लिए मुझे उससे नफरत थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद पर काबू खो चुका था। वो किसी को भी वश में कर सकती है। लेकिन जब मैंने तुम्हें फिर देखा जिंदा, तो मुझे होश आया। अब मैं तुम्हें सिर्फ घर ले जाना चाहता हूं। नई शुरुआत करेंगे। ये लो, थोड़ा ज्यादा चबाना पड़ेगा, लेकिन स्वाद ठीक है। अब क्या? सारे लड़कों को इकट्ठा करेंगे और सांड टापू की गुफाओं तक चलेंगे, इससे पहले कि बॉनी को कुछ भी पता चले। गुफाएं? अजीब है, भूल भुलैया हैं, लेकिन गोला छिपाने के लिए बेहतरीन है। घर जाने को तैयार हो पीटर? हाँ। चल पाओगे? हाँ तैयार हूँ। किस तरफ? तो फिर ये बताओ, बाकी लड़के कहाँ हैं? इस तरफ। जेनी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। आप लोग मिले कैसे? ग्रैनविल क्लब में। मैं हथियार बेचता था, पैसा था, इज्जत थी। वो अभिनेत्री थी, सिर्फ लंदन के सबसे बड़े थिएटर्स में। और पापा? वो बाद में आए, मुझसे चुरा ले गया। कोई गम नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छी थी वो मेरे लिए। लेकिन वो थे कैसे? आईने में देखो खुद को। मैं उनकी तरह दिखता हूँ? पहले लगता था तुम अपनी माँ पर गए हो, अब पिता की झलक दिखती है। मतलब आखिर मैं बड़ा हो ही गया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ?
बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। जब पता चला तो जेनी को ढूंढने की कोशिश की और कारखाने पहुंच गया। पता चला मैंने 5 साल की देर कर दी और उनकी जगह मैं गले पड़ गया। जेनी का तोहफा समझ कर भी लिया। जब हम घर लौटेंगे सब पहले जैसा ही होगा ना जिमी, साथ काम करेंगे, बस मुझे छत पर चढ़ना नहीं पड़ेगा, बस उड़ जाऊंगा। हाँ ये कला काफी काम आएगी। यहाँ से कुछ दूर उस पेड़ पर पहरेदार है। तुम्हें कैसे पता? आभास हो रहा है, मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हो तुम? इस तरफ जाएंगे। बाहर से पीढ़ी सा लगता है लेकिन अंदर से कमाल का है। और ये पहाड़ों के उस पार जाता है? उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन हाँ अंधेरा है। टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। नहीं वो मुझ पर छोड़ दो, दोनों तरफ एक पहरेदार है। सिर्फ एक? हाँ लेकिन एक को 100 बनने में वक्त नहीं लगता। पहले जाके उसे बताता हूँ कि मैं डाकू को साथ लाया हूँ। हेलो पीटर। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं पीटर हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए? रुको, सिर्फ यही पहरेदार है। सुरंग की दूसरी तरफ एक और है। आप उन्हें ये सब कैसे बता सकते हैं? लेकिन और कोई तरीका नहीं। सब झूठा। मेरी बात मनवाने का यही रास्ता था। मानो या ना मानो तुम अभी बच्चे हो, कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ जैसे दोस्तों को धोखा देना। मुझे सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारे पास। तुमने खुद को फिर साबित कर दिया हुक, शायद तुम पर शक करना गलत था। जल्दी करो, चुपचाप जाएंगे, कोई आए उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। भरोसा किया था आप पर। तुमने ठीक किया पीटर, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वादा करता हूँ, पर अभी चलो। ओ सोचा था उससे ज्यादा सुंदर है ये। है किधर वो? उस तरफ। सब तैयार? ये सब क्या कर रहे हैं? बस उन्हें भगाने का तरीका। नहीं आगे बढ़ो सनी। मुझे मार रहे हो? इतना करीब नहीं आना चाहिए और मैं चोट लग सकती हूँ। एक बार वो चीज मिल गई तो हम फिर लंदन लौट जाएंगे। हमसे पीछा छुड़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि हमें जो चाहिए वो हमें दे दो। वादा करते हो हमेशा के लिए चले जाओगे?
वो पदार्थ इस पत्थर के अंदर है। उसे बाहर कैसे निकालते हैं? उसमें तैरना पड़ता है। मुझे थोड़ी जगह दो। से निकलेगी वहां से। जल्दी करो बुक, ये तुम्हें बदल देगा। मैंने इसी का ख्वाब देखा था। क्या हुआ? हुआ क्या उसे? पता नहीं, उसने वही सब किया जो मैंने किया था। लेकिन लेकिन क्या? जब वनस्पति प्रेत यहाँ थी, गाना गा रही थी। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, घमंडी स्वार्थी। तेरा मासूम चेहरा सिर्फ एक ढोंग है, बिल्कुल उस कमीने की तरह। आप क्या कह रहे हैं? उसे कह रहे हो वो मेरे प्यार को चुरा ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा। हाँ, मुझे कोई कम नहीं था, लेकिन कसाई की तरह उसे चीर डालने के बाद तुमने मेरे पापा का खून किया। उसे मौका दिया था, लड़ाई वो हार गया, तो मैं क्या करूं? तुम मुझे क्यों पाला? तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, तुम्हें वो दिखती थी। बेवकूफ था मैं जो सोच लिया कि तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालूंगा, लेकिन इस सब के बाद भी तुम निकले तो अपने बाप के ही बेटे ना। जंगल की तरफ भागो। ठीक है, अपने
4000 साल सिर्फ एक रात में तबाह। मुझे माफ कीजिए, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं उन्हें वो देना चाहा जो हमने तुम्हें दिया था, उस हुक को खुश करना चाहा। उसके लालच ने तुम्हारी मासूमियत को भ्रष्ट कर दिया है। मुझसे गलती हो गई। गलती जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम अनंत काल तक चलते रहोगे बिना किसी याददाश्त के, बिना किसी पहचान के, बिना अपनों के। तुम्हारी मासूमियत जिस पर हमने भरोसा किया था, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगी बिना किसी सहारे के। ध्यान से सुनो, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, प्रताड़ना, परेशानी, दुख, निराशा, धोखा, वेदना, मनस्ताप, कष्ट, दुख, शोक, दर्द, पीड़ा, कष्ट, प्रताड़ना, परेशानी। रुक जाइए, ये अब भी हमारी मदद कर सकता है। श्राप देने से कुछ हासिल नहीं होगा। कष्ट, उसे वक्त दीजिए। पीटर, पीटर, तुम ठीक हो पीटर? उस वैज्ञानिक ने तुम्हें महान शक्ति दी, लेकिन तुमने इसका अपने लोगों पर ही इस्तेमाल किया। मुझे माफ कीजिए, गुस्से में मैं इस पर काबू नहीं कर सकती। तुमने हमारी पावन प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। पीटर, मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी? पीटर, जाओ आराम करो। मैं ठीक हूँ। तुम आधी नींद में किसी की मदद नहीं कर सकती। टिंकरबेल, ये तो पीटर की थी। तुम जानती हो वो कहाँ है? वो देखिए, वो जिंदा है। पारा बीमार, हुण शाका नू ले आओ। की गल है, तुसी गए क्यों नहीं? ओ पीटर सी, जो उना डाकुआ नू खुफिया रास्ते तो ले आया। अगड़म बगड़म अगड़म, मैं भी अगड़म बगड़म कर सकता हूँ। पीटर, क्या तुम ठीक हो? बहुत ही बढ़िया। ये तुम्हारे दोस्त कौन है? ऐसे अजीब कपड़ों में क्यों है? कोई थीम पार्टी है? थीम पार्टी है पापा जी, उसकी हालत चंगी नहीं है। छोड़ो मुझे। ओनू उस खड्डे विच फेंको। और कितना? और दो की मौत और तीन घायल। ये सब तुम्हारे वजह से हुए लहूक। जब से तुम इधर आए लाए, हम धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिरे। तुम हमें पागल माफिक एक जगह से दूसरी हर जगह पर खींचा।
लेकिन राइट जगह पर नहीं। हमारा कितना अच्छा आदमी लोग तुम्हारी वजह से मारा गया। वो क्या बोलते है तुम? छोटा छोटा भी कभी कभी कमाल करता है ना? अब तुम्हारे फंडे को अपन ट्राई करने को मांगते हैं। क्या है, तुम्हारे बिना ना हम बहुत छोटा हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल का। मेरे पास दो गोलियां हैं और तुम लोग कुल मिलाकर पांच लोग हो, तो किस्मत कौन आजमाएगा? ट्राई करोगे सनी? है हिम्मत तुम में? अगर वो नहीं हुआ जो हमने चाहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मैं कुछ ही दिनों में आसानी से यहां फौज खड़ी कर सकता हूं, साथ में बंदूकें, तोप, मिसाइल और किलों में फड़कती आग, 50, 100, शायद 1000। हम भारतवासियों को मसल देंगे और वनस्पति प्रेतों को वो पदार्थ देने पर मजबूर कर देंगे, समझे? लेकिन तुम ये लोग लाओगे कहां से? मैं यहां से लंदन जाऊंगा, सड़कों से लड़के उठाऊंगा, और तुम्हें अंदाजे भी नहीं कि कितने लोग सिर्फ उन गंदी नालियों से निकलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इसकी बात पे ध्यान नहीं देने का, बिल्कुल ध्यान नहीं देने का, समझा? ये झूठ बोलता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अगर हम इसको जाने देंगे ना, तो ये भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये तो साथ चलो मेरे। ये इकलौता है जो जानता है कि वैज्ञानिक का गोला कहाँ है, और ये भी कि लंदन से यहां वापस कैसे आना है। मेरे साथ चलो सनी, देखो तो सही कि नए जमाने में कितना ऐशो आराम है। यकीन मानो तुम निराश नहीं होगे। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मानो निकाल लिया फिर क्या, पहाड़ों में छिपेंगे, जंगल में रहेंगे? हम भूखे मर जाएंगे। पीटर ऐसा नहीं होने देगा। पीटर पागल हो गया है, उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया है। वो धोखेबाज है, उसने डाकुओं को पहाड़ों का गुप्त रास्ता दिखा दिया। भारतवासी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं टिटू। 3 महीने पहले टकलू टोपी और उसके लड़कों ने मुझे अंधेरी गली में धर लिया था। वो 4 थे और मैं अकेला। इसे तड़पते हैं। उनके पास चाकू था, बहुत तड़पाया मुझे। मुझे लगा कि मेरा खेल खत्म हो जाएगा, फिर मैं मदद के लिए अपना गाना गुनगुनाने लगा, और फिर पता नहीं कहां से पीटर आ गया मुझे बचाने। एक पेट छजुंदर फ्री। मैंने पीटर को देखा, वो देखते ही मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कान। उसने कहा, मेरे होते हुए तुम इसे कुछ नहीं कर सकते, समझे मेरी बात? मुझे नहीं पता था इसके बारे में। वो चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। हम उन गलियों में जी पाए क्योंकि हम सब साथ थे, तब भी जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी। मुझे लगा यहां के नियम अलग होंगे, लेकिन मैं गलत था। पीटर, क्या कर रहे तुम? ए! छोड़ो, छोड़ो मुझे! तुम जा।
पीटर, हम आ गए। हो कौन तुम बदसूरत बंदर? रुको, मैं रस्सी फेंकता हूँ। तुम उड़ सकते हो? तुम भारतवासी चाहते क्या हो मुझसे? प्लीज पीटर, यहाँ से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन हो। एक बार और कोशिश करते हैं। तुम्हारा नाम पीटर है, तुम पूर्वी लंदन से हो और तुम चोरी करने में चैंपियन हो। अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पागल को लगता है कि वो वनस्पति प्रीत है। क्या वनस्पति प्रीत हिंदी बोलते हैं? छोड़ो मुझे, जानता था ये घटिया आइडिया है। कुछ याद आया? तुम सब एकदम कार्टून लग रहे हो। दोस्तों बहुत काम करना है। अकेले तो वो एक हफ्ता भी नहीं दिख पाएंगे। जहाज की तरफ जा रहे तो अलग बात है, ढूंढो उन्हें। मुझे लगता है यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। आया कहाँ है? घर पर, गांव में, तुम्हें याद नहीं? वो तुम्हारे लिए बहुत लड़ी लेकिन बाकी सब गुस्से में थे। अब क्या करेंगे? इन पहाड़ों पर नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ बर्फ और पत्थर है, और नीचे जंगल में भी नहीं जा सकते, इसलिए तुम सबको यहीं रुकना होगा। और तुम? वो गोला याद है जो जिमी को कुबेर में मिला था? वैसा ही एक यहाँ है जो कि हमें घर ले जा सकता है। लेकिन वो कहाँ है? वही सिर्फ दिक्कत है, जिमी ने उसे सान टापू की किसी गुफा में छुपाया है, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा और ले आऊंगा। कैसे? क्या कर रही हो? यही मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम्हें यकीन है उस पर? किस पे? हुक? जरूरत नहीं है, हम हर वक्त उस पर नजर रखेंगे। अगर वो वहाँ जाकर फौज तैयार नहीं कर पाया तो क्या करोगे? तो उसके बिना ही लौट आएगा। एक बार ये द्वीप पार कर ले फिर वो टापू बहुत करीब होगा। हाँ, वो गोले को लेने जा रहे हैं पीटर, हम यही छिपे रहे तो गोला मिल जाएगा। फिर क्या, उनकी नाक के पीछे से चुरा लेंगे? नहीं, हम इंतजार करेंगे, उनके चले जाने के बाद गोला हमारा हो जाएगा। लेकिन वो अपनी फौज के साथ लौटेंगे और भारतवासियों को मिटा देंगे। हम बुजुर्गों को गोला दे देंगे तो शायद वो हमें माफ कर दे। भारतवासियों का क्या? बुजुर्ग उसके उपयोग से इस जगह को डाकू से मुक्त कर देंगे। जरा सोचो, अगर उसने वाकई वो कर दिखाया जो वो कह रहा है, हजार आदमी, बंदूक, बॉम्ब वगैरह, भारतवासी तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। मुझे उन्हें आगाह करना होगा।
आया। हुक और उसके डाकू गोले के उपयोग से फौज लेके तुम लोगों को मिटाना चाहते हैं। तो वो सब नाटक था, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। बिल्कुल नहीं। और डाकुओं को गुप्त रास्ता दिखाना, वो तुम ही थे ना? उन्होंने धोखा दिया। अच्छा, कैसे? सुनो, हमारे पास वक्त कम है, वो लोग सांड टापू जा रहे हैं, तुम्हें सबको इकट्ठा करके उनका सामना करना होगा। मैं उन्हें किसी तरह रोक लूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ सकता। लड़ना? तुम क्या उससे लड़ोगे, तुम तो उनके साथ हो। तुम्हें सचमुच लगता है हम जहाज लेकर समंदर में जाएंगे ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त निशानेबाजी का मजा ले सको? तुम्हें सचमुच लगता है मैं ऐसा करूंगा? क्या हुआ? हम अकेले हैं, अब तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तेरे उतना जितना हम ले जा सकते। मुझे लगा सिर्फ तुम और मैं जा रहे हैं सनी। तो तुम खुद ही बोल दो इनको, इधर एक आदमी नहीं है जो घर जाने को नहीं मांगता है। जाने के बाद अगर भारतवासी हमारे जहाज ले लेंगे तो क्या करेंगे? लौट कर कहां आएंगे? एक बार ट्रक के लंदन वाला गोला मिल जाए फिर हम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। हर एक को मौका मिलेगा, आपको भी दड़ी जी। मैं यहाँ नहीं रह रहा। और हम किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। बकवास दूर। अरे आप तुम्हारे लिए कोई अच्छा गिफ्ट लाएगा ना? अरे वो एक महंगा काजू फेरी का बोतल, क्या बोलते हैं, एक एगलेस केक पूरा डिब्बा भर। ठीक है जाओ, लेकिन आप अकेला तो नहीं जाएगा ना? वो थोड़ा बहुत तो दिमाग है आप उनके पास, तू जानता है कि उधर क्या होगा, लेकिन आप उनको नहीं मालूम। सिर्फ आधा दर्जन लोग चाहिए, समझे? तुम कैसे चुनोगे ये नहीं जानता मैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, मान लिया। वो सुना? क्या सुना? वो तू पीटर दी किसी भी गल से यकीन नहीं कर सकती पुत्र। पर जे उनानो सच दस रिया हो तो? पीटर क्या कर रहा है? इनानो खोल दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम दोस्त हो, लेकिन हमें जानना है पीटर क्या सोच रहा है। एक शब्द नहीं टीटू। वो कुछ देर पहले यहाँ आया था, मुझसे कहा कि डाकू तुम्हारी दुनिया से कोई फौज लाने वाले हैं। सुनो, अगर पीटर सच कह रहा है तो हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। वो गोला ढूंढने गया है, हम सबको घर ले जाने के लिए बस इतना ही। कहाँ? गुफाएं सैंड टापू पर। मैनू लगता है कि पीटर सच दस रहा है। सानू वो पहाड़ी रास्ता हमेशा लई बंद कर देना चाहिदा है। जी पीटर सही है तो मार्गानू बंद करना साड़ी कोई मदद नहीं करेगा, उना सानू अपने हथियार नालक को चल देंगे। जिमी हथियारों का कारोबार करता था। जिमी हथियारों का कारोबार किता सी? हथियार घर में उसका दोस्त है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
को पैसे लाए कोई भी गल कर सकता हां। बारूद, हाथ गोले, जहरीली गैस भी, और जहरीली गैस वो क्या होता है? उसे हवाएं फैलाती है। उसे हवाएं फैलाती है, दिखाई भी नहीं देगी सानू, दिखाई भी नहीं देगी। समझने के पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। हम बच्चों को नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपना ख्याल रख सकते हैं। तुम हमारे आड़े आओगे तो फिर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हे भगवान, सब तैयार रहो हमले के लिए तैयार। संभल कर चलो। हमें सिर्फ उनके जाने तक का इंतजार करना होगा और गोला हमारा होगा।
क्या तैयार हो? माफ करना टिंकर, मैं ये नहीं होने दे सकता। क्या? मेरे रास्ते में आने की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई तुम्हें। चले गए, तुमने आने में देर कर दी। जब वो लौटेंगे तुम सब खत्म हो जाओगे। यहां से चलना होगा। इधर है तुम छचुंदर। अपन का टाइम खोटी हो रहा है। अभी आगे का फाइट लंदन के सड़कों पे होएगा। छोड़ने का नहीं इसको। किधर गया छछुंदर? वो देखो। अरे गोली मत चलाओ, गुफा गिर सकती है। से छोड़ो, निकलो यहाँ से। नहीं, पहले पीटर को ढूंढना होगा वरना गोला उसके हाथ लग जाएगा। निशाने इस तरफ जा रहे हैं, जल्दी। ये रहा।
पहले भी साथ थे लेकिन इस बार फर्क होगा। इस बार तुम और मैं पार्टनर होंगे। तुम यही तो चाहते थे ना पीटर, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। पीटर मेरे दोस्त बनो, हम पूरे लंदन पर राज करेंगे एक दिन। पीटर मेरा हाथ थामो। पीटर ने मेरे पापा का कत्ल किया और तुमने सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। संभल कर कहीं पीछे को ना लगे। जमीन पर आओ पीटर। लो तुम्हारी औकात पर उतर आया। मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारी तरह नहीं हूं। चलो मर्द बनकर दिखाओ। बिल्कुल नहीं। मेरे पापा की घड़ी लाओ। Come on.
कहा। ये तो पानी में गिर गया मेरे ख्याल से। कूदना पड़ेगा अब उनको, यही चांस बचा है। तो मेरे दोस्त, अगर आप उन लोग इसमें से जिंदा निकला तो तुम हाथ के लिए क्या यूज करेगा? हुक? क्या क्या हमें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा? अब हम क्या करेंगे? तोहफा तुम्हारी बहादुरी के लिए। चप्पू शुक्रिया, मुझे हमेशा से यही चाहिए था। सिर्फ चप्पू नहीं दोस्तों, साथ में नाव भी है। अब जब सारे डाकुओं को बाहरी द्वीपों की तरफ धकेल दिया गया है तो समंदर सुरक्षित है। शुक्रिया आया। ये कैसी आवाज है? ये तो कैसे हो दोस्तों? तुम बाहर कैसे आए? गोले को थोड़ा धक्का लग गया था। तुम लंदन चले गए? हाँ, और तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ। छोटू तुम्हारे लिए लाया हूँ एक नया चाकू, अरेबियन नाइट्स की किताब टीटू के लिए, दिशा दिखाने वाला कंपास नट्टू के लिए, घुंघरू तुम्हारा संगीत, फरान की विश्वकोश तुम्हारे लिए, दो कॉपीज और नए जूते सबके लिए। और गोला? जमीन में हजारों हजारों कोस नीचे दफन है। फिर तुम वापस कैसे आए? मैं फ्लूट के दोस्तों से मिला, जब उनका ध्यान नहीं था मैंने गोला लिया और ऐसी जगह छिपाया जहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। क्यों पीटर? किसी को वादा किया था कि अब दूसरी दुनिया के लोग यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन तुम वापस क्यों आए? अब तुम फंस गए। मैं तुम बदमाशों को मेरे बिना यहाँ मजे करने नहीं दे सकता। कैसा मजा? पागल हो गए हो? नेवरलैंड तो रहस्यों का भंडार है और हमने अभी तक देखा ही क्या है। लाखों टापू है और हर टापू पर अलग अलग कारनामा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हमें कभी बड़ा नहीं होना पड़ेगा। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारी मर्जी चलेगी और कोई बड़ा हमें नहीं ठग सकता। ये हमारी दुनिया है, अच्छी और सादी। मैं रहस्यमय कैंप खोजने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ है हाथ ऊपर करे और चिल्लाए नेवरलैंड। नेवरलैंड।
This movie is encoded by Dr. Star.